मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी हिंदी टीचर निहारिका भोई। आज हम क्लास 3 का पहला चैप्टर कक्कू कविता का अध्ययन करेंगे। इसको लिखा है रमेश चंद्र शाह जी ने। आप सभी को पता है कि सभी का सुंदर और प्यारा नाम होता है, जैसे आपका भी है, तो आपके नाम का भी मतलब है। जैसे यहाँ पर कक्कू का एक प्यारा सा नाम है, तो उस नाम का मतलब है कोयल। तो आप सभी का भी नाम है, तो आप अपने घर के बड़ों और अपने मम्मी पापा से पूछिए कि आपके नाम का मतलब क्या है। तो आइए पढ़ते हैं कक्कू पाठ। नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता, इसीलिए हम इसे चिढ़ाते कहते इसको सक्कू। नाम है इसका कक्कू। इस बच्चे का नाम है कक्कू। कक्कू का मतलब होता है कोयल, लेकिन कोयल के समान इसमें कुछ भी गुण नहीं है। यह दिन भर रोते रहता है और कोई इसीलिए सभी इसको चिढ़ाते हैं और सक्कू कहकर बोलते हैं, लेकिन इसका नाम है कक्कू। कोयल माने मिश्री जैसी मीठी जिसकी बोली, यह तो जाता भड़क करो जब इससे तनिक ठिठोली, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू। नाम है उसका कक्कू। सभी को पता है कोयल की आवाज़ बहुत मीठी और सुरीली होती है, मिश्री के समान मीठी होती है, लेकिन कक्कू से कोई मजाक कर ले या ठिठोली कर ले तो वह बहुत ही गुस्सा हो जाता है, इसीलिए सभी इसको कभी कभी भक्कू भी कहते हैं, लेकिन नाम इसका है कक्कू। कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुंह को सदा फुलाए, गाना जिसको जरा ना आए, ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों न कहे हम झक्कू। नाम है उसका कक्कू। कक्कू वह जो गाना गाए, है ना, कक्कू मतलब कोयल होता है, कोयल बहुत अच्छा गाना गाती है, बात लेकिन यह गाना नहीं गाता, बात बात में गुस्सा हो जाता है और हमेशा मुंह को फुलाए रहता है, रूठा रहता है और गाना उसको बिल्कुल भी नहीं आता और हमेशा सबसे झगड़ा करता है, तो क्यों ना हम इसको झक्कू कहें, लेकिन इसका नाम है कक्कू। ये हो गया क्लास 3 का पहला चैप्टर कक्कू कविता का। आज हमने अध्ययन किया।